गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। और आज जो मोस्ट अवेटेड हमारा सेगमेंट था वर्ड मीनिंग का, आज हम उसके साथ आपके बीच आए हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वर्ड मीनिंग की सीरीज में जल्दी ही शुरू करूँगा, और ख़ास करके इसमें फोकस ये करना है कि हमारे लिंक पे ऑडियो का लिंक आएगा, इस वर्ड के साथ ऑडियो का लिंक आएगा। ध्यान रहे कि कभी भी टाइम निकाल कर आपको दो बार इस ऑडियो को सुनना है, या आप अपने डेली रूटीन में अटैच कर लो। हम ये नहीं कहेंगे कि इसको रटना है, अब हमने सिर्फ दो बार वर्ड को सुन लेना है, एक बार वीडियो देख लेना है, पर्याप्त हो जाएगा। ये वर्ड मीनिंग हमारा यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, आगे कुछ भी करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि अब आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस क्रम में आगे बढ़ेंगे, और शुरुआत करते हैं आज की हमारी सेगमेंट जो कि है वर्ड मीनिंग। ये हमारा डेली का रूटीन है। मैथ्स आपका 2 बजे चल रहा है, 3 बजे इंग्लिश और 4 बजे फिजिक्स। ये ऑन टाइम चलने वाले क्लासेस है, ये रेगुलर चलने वाले क्लासेस है। अभी वर्तमान समय में ये तीनों क्लासेस आपके लाइव चल रहे हैं, तो सेशन को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कहता है दिए गए ऊपर लिखा हुआ जो भी निम्नलिखित जो भी क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और मीनिंग से मिलता जुलता जो वर्ड है आपको उस पर टिक करना है। ठीक है, मिलता जुलता वर्ड का मतलब होता है सिनोनिम्स। क्या होता है सिनोनिम्स? मिलता जुलता का मतलब हो गया सिनोनिम्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिनोनिम्स को फोकस करना है, इस पर हमको ध्यान देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखो, पहला क्वेश्चन आपको आया है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान या प्रतिष्ठा, सम्मान या प्रतिष्ठा। ठीक है, तो डिसेंसी का मतलब भी आपका सम्मान ही होता है। इमोरल का मतलब अनैतिक, इमोरल का मतलब अनैतिक। शागरिन का मतलब होता है नाराजगी। उसके बाद आपका बच गया प्रीमेसी, प्रीमेसी का मतलब होता है महत्व। अब आपसे पूछा है, ध्यान दे लेना, आपसे पूछा है कि डिग्निटी का साइनो बताइए, यानी डिग्निटी से मिलता जुलता वर्ड बताइए। तो डिग्निटी से मिलता जुलता वर्ड आपका आता है डिसेंसी। इट मीन्स डिसेंसी इसमें आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफिकेट। डिफिकेट का मतलब होता है बाहर फेंकना, बाहर फेंकना। ठीक है, अब थोड़े एक एक करके सारे वर्ड को देखेंगे। शाफ, शाफ का मतलब होता है आपका भूसा। ठीक है, उसके बाद आता है इंजेस्ट। इंजेस्ट का होता है भोजन निगलना, भोजन निगलना। उसके बाद आ गया आपका क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, हो गया। सेक्रेट, इस सेक्रेट का मतलब होता है बाहर करना या बाहर फेंकना, जो भी लिख दो आप, एक ही होगा। तो इस हिसाब से अगर हम मिलता जुलता वर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह दूसरे क्वेश्चन पे हमारा सही माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो इसी का मिलता जुलता वर्ड आपका होगा रेनॉन। इसका मतलब भी आपका होता है प्रसिद्ध या विख्यात। ठीक है, इसी में आपका आता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, कह सकते हो।
कॉमन का मतलब आपका आ गया सामान्य, फेनोमिनल का मतलब हो जाता है आपका शानदार, बाकी तो आंसर आपको पहले ही क्लियरली हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नैच। स्नैच का मतलब होता है आपका छीनना, स्नैच का मतलब छीनना। तो इसी में देखेंगे कि यह रेंज का मतलब भी होता है छीनना। कन्फर और बिक्यूथ दोनों एक ही मीनिंग है, दोनों का मतलब होता है देना या प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद पहला मीनिंग आपका बच जाता है डिटोनेट। डिटोनेट का मतलब होता है विस्फोट करना। तो ये आपका मीनिंग हो गया आपका डिटोनेट, बिक्वीट, कन्फर और रेंज। ऊपर मैंने आपको क्लियरली लिख दिया। अब आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका स्प्लिंटर। स्प्लिंटर का मतलब होता है छोटा टुकड़ा। स्प्लिंटर का मतलब आपका हो जाएगा छोटा टुकड़ा। ठीक है, स्टब इसको बोलते हैं, सिगरेट का बचा हुआ भाग। बचा हुआ भाग का मतलब है कि सिगरेट आप देखते हो तो उसके अंत वाला जो पार्ट होता है वो येलो कलर का होता है, जो खास करके लोग स्मोकिंग कर लेते हैं उसके बाद बच जाता है। तो ये बचा हुआ भाग के लिए हम स्टब का प्रयोग करते हैं। चिप का मतलब हो गया टुकड़ा। शेयर का मतलब हो गया आपको बांटना। और फ्रिक्शन का मतलब घर्षण। तो स्प्लिंटर मतलब छोटा टुकड़ा, यानी टुकड़ा से मिलता जुलता वर्ड होना चाहिए। इट मीन्स सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। तो ये पांच हमारे सिनोनिम्स थे। बढ़ते हैं अब एंटोनिम्स की तरह। कहता है इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन के चार विकल्पों में से जो विपरीत वर्ड दिया हुआ वर्ड का जो विपरीत है आपने क्या करना है, उस पर टिक कर देना है, उस पर क्लिक कर देना है। अब बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ और देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है आपका ऊर्जावान। वाइब्रेंट का मतलब होता है आपका ऊर्जावान, ठीक है। ड्राव का मतलब होता है सुस्त। गाउडी का मतलब भड़कीला, ठीक है। विविड का मतलब स्पष्ट। बच गया आपका कौन सा, जैजी। जैजी का मतलब चमकीला, ठीक है। हाँ जी, ड्राइव का मतलब सुस्त, गौडी भड़कीला, जैज का चमकीला और विविड का स्पष्ट। ऊर्जावान का उल्टा सुस्त होता है, ये हमें पता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका आंसर जो है वो ड्राइव को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप सीटेड। इसका मीनिंग होता है गहरा, ठीक है। अब आते हैं क्रोनिक मतलब लंबी, खास करके ये कहाँ चलेगा भाई, तो ये बीमारी में चलेगा, बीमारी के लिए आता है, क्रोनिक डिजीज कहते हैं, लंबा चलने वाला बीमारी। इनब्रेड का मतलब हो गया जन्मजात। इनब्रेड का मतलब जन्मजात। टेम्पररी का मतलब हो गया तत्कालीन, ठीक है। और बच गया सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस का मतलब अवचेतना। अवचेतना मतलब समझ, सेंस, इससे रिलेटेड वर्ड हो गया।
डीप सीटेड मतलब गहरा लंबा चलने वाला, तो उल्टा क्षणिक हो जाएगा। टेम्पोररी जो है ये इसका सही आंसर होगा। एक बार जरा बढ़िया से नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीन को देख लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमड्रम। हमड्रम का मतलब होता है नीरस। नीरस मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी का सेम वर्ड आपको दिया हुआ है टेडियस में। टेडियस का मतलब भी नीरस ही होता है, एकदम सेम लिख लो। हिंदी मेरा कमज़ोर है थोड़ा, और सही दिख गई पर ध्यान खुद से देना, ठीक है। अब उसके बाद ट्राइट का मतलब आपका हो गया रोचक, ठीक है। ड्राव का मतलब सुस्त या सुस्ती, जो भी कहो। फैसिनेटिंग मतलब मोहित करने वाला। अब देखो नीरस मतलब एकदम बेकार, बोरिंग है, तो बोरिंग का उल्टा तो फैसिनेटिंग हो जाएगा। इट मीन्स डी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलिब्रेट का मतलब होता है सदचरित्र। इसको ब्रह्मचर्य भी बहुत जगह बोला जाता है, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन है चेस्ट का मतलब आपका हो गया पवित्र। वर्चुअस का मतलब हो गया सदगुणी, सदगुणी यानी सदचरित्र, अच्छा गुण वाला। कॉन्टिनेंट का मतलब संयमी, व्यवहारिक मीनिंग में, और ज्योग्राफिकल में जाएंगे तो अचांस ये कॉन्टिनेंट आपका चलता है किसमें, ओ अचांस देशांतर ये सब जब पढ़ते तो वहाँ पर कॉन्टिनेंट हम लोग को पढ़ना होता है। अब बच गया आपके पास क्या, प्रोमिस्कस। प्रोमिस्कस का मीनिंग होता है चरित्रहीन, चरित्रहीन यानी कैरेक्टरलेस। ये अच्छा चरित्र वाला है और खराब चरित्र वाला, उल्टा में चल रहे हैं, तो प्रोमिस्कस हमारा सही आंसर जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंजेशन, अभी अभी हमने इंजेस्ट पढ़ाया था। इंजेस्ट का मतलब होता है कि भोजन निगलना, तो इंजेशन है तो उसी का नाउन रूप है, खाली निगलना लिख दो। इसी मीनिंग का साइनोगल्प होगा, ये भी होता है निगलना, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ सलाग। सलाग का मतलब होता है जोर से प्रहार करना, ठीक है। अब बच के आपका चग। चग का मतलब हो जाता है पी जाना। उसके बाद आगे आपका एक्सक्रीट। देखो ई एक्स जब भी लगता है हमेशा बाहर करने में यूज हो जाएगा, तो एक्सक्रीट का मतलब बाहर फेंकना, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, टफ नहीं है, आसान नहीं है। अब आ गया है नया सेगमेंट। नया सेगमेंट में हमको क्या मिलेगा कि वर्ड मीनिंग आपको गलत दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि गलत वर्ड मीनिंग को सही करने का प्रयास करना है। तो सही करने का प्रयास हम करेंगे जो गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कहा है फोर वर्ड्स जो दिया हुआ है उसमें से केवल एक ही करेक्टली स्पेल्ट है, तो एक ही करेक्टली स्पेल्ट है तो जो सही है उसको चुनिए। जनरली कहता है कि जो कभी करेक्ट चुनने कहेगा कभी रॉन्ग चुनने कहेगा, तो हर एग्जाम के हिसाब से ये बदलता रहता है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला है ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड का मतलब होता है मनुष्य की तरह, तो HUMANOID। यहाँ पर ई जो है वो एक्स्ट्रा लगा, ई को काट दोगे तो ह्यूमनॉइड हो जाएगा, मीनिंग होगा मनुष्य के जैसा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रिक्शा में। रिक्शा भी आपका बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम है, केवल सी अटैच कर देना, RICKSHAW। रिक्शा और वर्चुअस सही लिखा है, VIRTUOUS, वर्चुअस आपका सही लिखा हुआ है। ये दोनों का मतलब होता है सदगुणी, या खाली गुणी भी लिखोगे तो भी ये सही माना जाएगा।
उसके बाद बच गया है क्या, डेवियंस। डेवियंस का मतलब होता है सामान्य से हटकर, तो डेविएट बनता है, उसी से वर्ड बना हुआ है कि सामान्य से हटकर, ये ट है, तो सामान्य से हटकर, ये आपके करेक्ट स्पेलिंग में आ रहे हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दे लेना है। उम्मीद करते हैं सब लोग लिख लिया होगा। बढ़ते हैं अगले में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम आएंगे तो पहला वर्ड जो है वो है बरगुंडी, बी ए आर लिखा हुआ है, इसको बस थोड़ा सा बदल दो, एक के जगह यू लगा दो, बी यू आर जी यू एन डी वाई, बरगुंडी होता है। बरगुंडी क्या है, तो ये कलर का नाम है, एक प्रकार का रंग है, इसलिए इसका नाम ऐसा है। पेनेशिया आपका सही लिखा है, पी ए एन ए सी ई ए, पेनेशिया का मतलब क्या होता है, रामबाण, ठीक है, रामबाण मतलब सबका एक ही इलाज। कंटिन्यू में एक के जगह ओ लगा दो, यानी सी ओ एन टी आई एन यू ई, कंटिन्यू मतलब चालू रखना, जारी रखना। रिवॉल्वर आर ई वी ओ एल, आइए डब्ल्यू के जगह भी कर दो, तो आर ई वी ओ एल वी ई आर, रिवॉल्वर तो पता ही है, तमंचा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये मीनिंग हो गया। अब बढ़ते हैं अगले में, नेक्स्ट मीनिंग की तरफ। अगला मीनिंग हमारा कहता है एकोलेड। एकोलेड का मतलब प्रशंसा करना होता है, तो सी जो है वो डबल कर देना है इसमें, मतलब लिखेंगे तो ए डबल सी ओ एल ए डी ई, एकोलेड का मतलब प्रशंसा करना। रजिस्ट्री आपका सही लिखा है, आर ई जी आई एस टी आर वाई, रजिस्ट्री का मतलब आपका हो गया निबंधन करना, ठीक है, रजिस्टर कर देना। गॉडियस्ट में ये वाई के जगह खाली आई कर दो, जी ए यू डी आई ई एस टी, गॉडियस्ट मतलब क्या होगा, भड़कीला, सबसे ज़्यादा भड़कीला वो सुपरलेटिव वाला में चल जाएगा। ये फ्रैक्चर, फ्रैक्चर सिंपली एफ आर ए सी टी यू आर ई, फ्रैक्चर का मतलब हो जाएगा टूट फूट, बिगड़ना, टूट जाना, खराब हो जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ट्रांसमिट में एक टी हटा दो, तो ऐसे तो ट्रांसमिट का मतलब हो जाता है आपका बदलना, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसमिट जो है इसी का मतलब प्रशंसा करना होता है, प्रशंसा करना, और ऐसे बदलना भी इसको कहते हैं। अपलाउड में डबल पी कर दो, ए डबल पी एल ए यू डी, इसका मतलब भी प्रशंसा करना ही हो जाएगा, ठीक है। मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, गतिशीलता मतलब हमेशा चल रहा है, एक्टिव है, ठीक है। सेरामिक्स में सी काट एक्स, एक्स काट के सी एस कर दो, सेरामिक्स मतलब होता है मृतिका शिल्प, या इसको कह सकते हैं मिट्टी उट्टी का जो हम लोग काम करते हैं उसी को कहते हैं मृतिका शिल्प, मिट्टी के काम, मिट्टी के कारीगरी, इसको इसके अंदर में रखेंगे। हाँ जी, बढ़ते हैं अगला। कमांडो, सी ओ डबल एम एन डी ओ, ये तो पहला ही पार्ट आपका गलती है, क्या करोगे, ये एम की संख्या एक और अटैच कर दोगे, सी ओ डबल एम ए एन डी ओ, कमांडो मतलब अति प्रशिक्षित सैनिक, बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित सैनिक। ये कूलेंट आपका सही है, कूलेंट का मतलब होता है इंजन को ठंडा करने का तरल पदार्थ, क्या होगा, इंजन को ठंडा करने का तरल पदार्थ, सारे नोट कर लेना, इंजन को ठंडा करने का तरल पदार्थ। लिम्फोइड, लिम्फोइड में कुछ नहीं, आई के जगह वाई कर दो, एल वाई एम पी एच ओ आई डी, क्या लिखेंगे, एल वाई एम पी एच ओ आई डी, लिम्फोइड, ये लिम्फ से जुड़ा हुआ है, पार्ट्स ऑफ बॉडी में आता है, तो कहता है लिम्फ के जैसा अगर होगा तो लिम्फोइड हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ परमिटेड लिखा हुआ है, परमुटेड लिखा हुआ है, पी ई आर एम आई डबल टी ई डी, परमिटेड मतलब क्या कहते हैं उसको, अनुमति प्राप्त, ठीक है।
तो ये हमारा परमिटेड का आंसर था। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आगे क्या होना है, क्या बाकी रह गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 में आ जाइए, 15 लिखा हुआ है इसको 16 समझ लेना है, 16 से 20 आ जाना है। ये OWS है, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एक शब्द में उसका आपको जवाब देना है। जैसे यहाँ लिखा है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब एक से ज़्यादा व्याख्या का रास्ता खुला हुआ है, या नॉट हैविंग वन ओबियस मीनिंग, या एक स्पष्ट मीनिंग नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा स्पष्ट मीनिंग है। तो अब ऐसी स्थिति में एक से ज़्यादा हो गया तो स्पष्ट कहाँ रहा, वो तो अस्पष्ट हो गया। तो सबसे पहला मीनिंग हम लोग देखते हैं ट्राइट, ये ट्राइट का मतलब होता है उबाऊ। कुछ निर्धारित वर्ड है जो सरकारी एग्जाम्स में पूछा जाता है, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट लेवल के उसमें दोहराया जाता है। तो ध्यान रहे कि एक बार ये वर्ड पर आपकी पकड़ बन जाएगी तो ये चीज़ें बहुत ही सिंपली आपको मिलेंगी, तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आन पड़ेगी फिर हमको। तो ये ट्राइट हो गया। दूसरा है हमारा अपोजिट। अपोजिट का मतलब उल्टा, एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट। और एक्सेप्शनल तो अपवादित। पूछा कि एक से ज्यादा स्पष्ट मीनिंग हो तो अस्पष्ट में ना आ जाएगा, एम्बिग्यूअस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजर अकरेंस, कुछ इतना खतरनाक डरावना चीज है जो आपको ये बता रहा है कि आने वाले समय में कुछ बुरा होने वाला है, तो डरावना वाला वर्ड आपको सीधा सीधा लिख देना है। तो स्पेक्टर पहला छाया होता है, या इसको अपने लोकल लैंग्वेज में हम लोग भूत भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है बिगाइल, बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। मोनोलिथ जो है ये चट्टान की आकृति के लिए यूज होता है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं चट्टान की आकृति। उसके बाद आ रहा है आपका कैनी, कैनी मतलब होता है चतुराई भरा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री। कहता है कि मात्रा में, तीव्रता में, गुण में और स्तर में औसत हो। मात्रा, तीव्रता, गुण और स्तर में औसत। तो पहला ही मीनिंग दिया हुआ है मॉडरेट, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका औसत, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट का मीनिंग होता है, ये अवसाद का पानी कहते हैं। अब अवसाद का मतलब क्या है, अवसाद का साफ पानी, मतलब जख्म हो गया तो बहुत बार क्या होता है कि जख्म से, फोड़ा से या कुछ जल गया तो उसको तोड़ने के बाद, फोड़ने के बाद क्या होता है कि उससे एकदम साफ पानी निकलता है, तो उसी को सुपर नेटेंट कहते हैं। उसके बाद होबल आ गया, होबल का मतलब होता है आपका चलने के लिए, इसको कहते हैं कठिनाई से या लड़खड़ा कर चलना, कठिनाई से चलना या लड़खड़ा कर चलना। उसके बाद आता है आपका वर्ड हम, हम का मतलब गुनगुनाना, हाँ जी गुनगुना ना, चलो ठीक है जो भी है इतना समझो। तो ये बेसिक लेवल का बात था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है फैक्ट्री वेयर वर्कर आर इम्प्लॉयड एट वेरी लो वेजेस, ऐसी फैक्ट्री जहां वर्कर जो है बड़ी कम वेजेस के साथ इम्प्लॉयड किए गए, कम वेतन के साथ इम्प्लॉयड किए गए, लेकिन काम उनसे लंबा लिया जाता है, और ये भी कह सकते हैं कि उनकी स्थिति बहुत ही बदतर, बहुत ही दयनीय होती है। तो सबसे पहला आ जाते हैं इम्पलपेबल। इम्पलपेबल का मतलब होता है अस्पष्ट। आउटसेट का मतलब आरंभ, शुरुआत। उसके बाद आता है ब्लूमी, खिला हुआ, प्रसन्न के अर्थ में। और स्वेट सॉफ, स्वेट सॉफ का मतलब होता है शोषण की जगह, शोषण की जगह। और यही आपका लाइन आ रहा है जो कि आपका सही है। स्वेट सॉफ इज द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस, चीज जिसको वर्थलेस बेकार की तरह समझा जाता है। तो रिमेन्स, रिमेन्स मतलब बचा हुआ भाग या अवशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? बचा हुआ भाग या अवशेष कहते हैं। इसके बाद आप आ जाओ आपका आता है फ्लोटसम। फ्लोटसम मतलब कूड़ा करकट, ये बेकार के अर्थ में आ जाता है। हवोक का मतलब हो गया आपका तबाही। और उसके बाद शैम्बल का मतलब हो गया गंदा स्थान। अब आप देख लो, तो हम क्या देख रहे हैं कि जिसको बेकार समझ के अलग कर देते हैं, खराब कर देते हैं, वो हमारा कूड़ा करकट वाले कैटेगरीज में आ जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन अब तो बहुत ही, हाँ जी, आ गया आपका इडियम फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस पे आते, बहुत ही सिंपल सिंपल इडियम फ्रेजेस है। जीरो टॉलरेंस भैया बिहार में बहुत ही फेमस वर्ड है, खास करके हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री के जुबान से ये बहुत बार सुना गया है कि इन क्राइम के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जीरो टॉलरेंस का मतलब कोई भी छोटा से छोटा अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मतलब नॉन एक्सेप्टेंस इज एंटी सोशल बिहेवियर, मतलब नॉन इज नहीं होगा, ये इन होगा, नॉन एक्सेप्टेंस इन एंटी सोशल बिहेवियर, कहते हैं कि समाज विरोधी व्यवहार को ज़रा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसी में और देख लो, ये कहता है एक्यूरेसी इज परमानेंट, मतलब शुद्धता जो है वो शाश्वत है, सब दिन के लिए रहेगा। उसके बाद कहते हैं नो रिटर्न विदाउट रिस्क, बिना खतरा के कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई समस्या नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, विविधता जीवन का अंग है। तो जीवन में जितना अलग अलग चीज करो उससे कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे। तो पहला ही ऑप्शन है न्यू एक्सपीरियंस मेक्स लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, नई चीज़ें जीवन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। एक्सपेरिमेंटेशन में भी रिस्की, अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे तो रिस्की, इसमें सारी बातें पॉजिटिवली गया है। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जीवन बहुत सुंदर है। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट एक्साइटमेंट, होते अगर एक्साइटमेंट नहीं हो तो जीवन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, स्कॉट फ्री, इसको हम स्केप गॉट भी कहते हैं। स्केप गॉट, स्केप गॉट का मतलब हिंदी होता है बलि का बकरा। तो बलि का बकरा का मतलब हो गया क्या कि भाई काम कोई और करेगा और रिजल्ट किसी के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो ये वहाँ से लिया गया वर्ड है बलि का बकरा। तो इसके लिए वर्ड क्या होगा? विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट और इंजरी, ठीक है। टू एस्केप फ्रॉम कैप्टिविटी, किसी के चंगुल से भाग निकलना। बी फ्री ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जवाबदेही से मुक्त हो जाना। सी कहता है टू गेट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ अप्रत्याशित उम्मीद करना। और कहता है बिना कोई पनिशमेंट और इंजूरी के, विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट और इंजूरी। इट मीन्स डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कहता है टंग इन चीक, टंग इन चीक का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, हाँ बहुत ही अच्छा होना, बढ़ाई करना इस अर्थ में। तो टू प्रेज होल हार्टेडली, एकदम दिल से बढ़ाई करना, इन एन इनसिंसियर वे, बहुत ही खराब तरीके से, ए सेंसेशनल न्यूज, सनसनी खेज खबर, और टू से समथिंग इज हर्टफुल, या फिर ये कहना कि कोई चीज़ बहुत ही दुखदाई है, खराब है। कहता है वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, तो कहता है कि कोई भी चीज़ को खुलकर कहना, अपनी दिल की बात को दूसरे को बताना। तो ये आपको सी नंबर में दिया है, मेक वंस फीलिंग अपेरेंट। आगे है ये ए वेरी बोल्ड पर्सन, मतलब बहुत ही साफी, बहुत ही मजबूत हृदय वाला व्यक्ति। उसके बाद कहता है ए नोबल प्योर पर्सन, एकदम शुद्ध विचार वाला, अच्छी आत्मा वाला व्यक्ति। बींग ओवरटली पोलाइट एट ऑल टाइम, ज़रूरत से ज़्यादा पोलाइट होना हर समय। तो ये थे हमारे आज के वर्ड एक्सरसाइज का पहला सेगमेंट, पहली वीडियो। अगली वीडियो इसके बाद आएगी, और हर दिन आप अब डेली रूटीन बना लो, हर दिन ये रूटीन बना लो और टारगेट फिक्स कर लो कि अब हमने क्या करना है कि एक दिन में 25 वर्ड देख रहे हैं। ये वीडियो अगर आप कंप्लीट करते हो, इसके साथ मैंने ऑडियो लिंक दे रखा है, ठीक है, एक ऑडियो लिंक दे रखा है, संभवतः इस पर आप क्लिक करोगे तो कोई ऐप डाउनलोड करने का ये देगा ऑप्शन, तो आपको वो ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आप इसकी ऑडियो सुनना, ठीक है। आप इसकी ऑडियो सुनोगे तो क्या होगा कि इसको ऑडियो को 2 times आपको सुनना है और 1 आपको वीडियो देख लेना है। साथ ही जब आप ऑडियो सुनो तो अपने मोबाइल में PDF खोलकर रख लेना और बैकग्राउंड में ऑडियो चलाना, PDF देखते रहना। ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी, और मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आपको मीनिंग रटने के लिए कोई भी चीज़ अब दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपको मैं बताऊँ कि वर्ड मीनिंग इज़ बैकबोन ऑफ आवर इंग्लिश, ये वर्ड मीनिंग जो है हमारा वो बैकबोन है, और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे आपका वहीं से सुधर जाएगा। तो थोड़ा सा फोकस कर लेना है इस पर और वर्ड मीनिंग पर थोड़ा ध्यान दे देना है, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ और सुझाव अगर आप देना चाहें तो आप बिल्कुल कमेंट करें। आपका सुझाव को बहुत ध्यान में रखा जाएगा, उसका स्वागत किया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।